दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चार धाम के विषय में जानेंगे। दोस्तों भारत में चार धाम यात्रा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चार धामों की यात्रा जरूर करना चाहते हैं और उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को सिद्धि मिल जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म और का अर्थात सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति है और इस सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया और देव अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। इन कालखंडों में विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई जिनमें देवी देवता और धार्मिक भावनाओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों धार्मिक मान्यताएं दिए जाने वाले इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया है। दोस्तों भारत में चार धाम की यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है और भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चारों धामों की यात्रा जरूर करते हैं। उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा की सिद्धि मिल जाती है। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा के विषय में बात करें तो भारत में उपस्थित इन चारों धामों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हैं। यह चार धामों की यात्रा केवल भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का आकर्षण बना हुआ है। दोस्तों इनमें प्रमुख है गंगोत्री। दोस्तों उत्तराखंड में वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। यह गंगोत्री चार धाम उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष लगभग 5,500 वर्ष की घोर तपस्या की थी। दोस्तों यह धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जिसके कारण यहाँ पर पहुँचना अत्यधिक मुश्किल माना जाता है। दोस्तों इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थ धाम की यात्रा सफल करते हैं, जिनको अगर बहुत ऊपर नहीं जाना होता है तो। दोस्तों दूसरा है इनमें प्रमुख यमुनोत्री। दोस्तों उत्तराखंड कावर स्थल जहां से यमुना का उद्गम होता है उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कालिंदी पर्वत पर स्थित है, इसलिए इस कालिंदी की संज्ञा भी दी गई है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि यह तीर्थ धाम समुद्र तट से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि यह स्थल कालिंदी पर्वत पर है इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है जिसमें पानी का तापमान लगभग 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में भी वहां ग्रहण करते हैं। दोस्तों तीसरा के जो मैं बताना चाहूंगा वो है केदारनाथ धाम। दोस्तों केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों महाभारत कालीन
की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। दोस्तों इनमें चौथा प्रमुख है, उत्तराखंड में स्थित चारों छोटे धाम और भारत के चारों धामों को श्रेणी में सम्मिलित है। दोस्तों इस स्थल के साथ नर नारायण की तपस्या का इतिहास जुड़ा हुआ है। दोस्तों इनके अलावा अगर आप भारत के चारों धामों के विषय में आप जानना चाहते हैं तो उनमें प्रमुख है जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश मंदिर और चौथा रामेश्वरम मंदिर। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।